शैम्पू से दोस्तों हम अपने सफेद हो रहे बालों को तेजी से काला बना सकते हैं। जी हाँ, शैम्पू करने का जब सही तरीका हमें पता हो तो क्यों ना हम अपने सफेद हो रहे बालों को प्रिवेंट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ एक बहुत ही घरेलू और देसी नुस्खा, जिससे कि ये बहुत ज्यादा यूजफुल और कारगर है। ये आपके बालों को तेजी से काला बनाएंगे, बट इसे सही तरीके से शैम्पू में इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। जब आप शैम्पू में इन सारी चीजों का यूज करना शुरू करेंगे तो आपके बाल तेजी से काले, लंबे, घने, मजबूत और चमकदार होंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, ये है वो रेमेडी जो मैंने प्रिपेयर किया है। हमें यहाँ पे लेना है एक चम्मच के तकरीबन, इस रेमेडी को, इस नुस्खे को आपको ले लेना है एक चम्मच यहाँ पर। और उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छी तरह से मैंने इसे प्रिपेयर करके रखा हुआ है। आप भी प्रिपेयर करके इसे रख सकते हैं। जब भी आप शैम्पू करने जाते हैं तो इस तरह से अगर आपने शैम्पू करना शुरू किया तो ये आपके बालों को काला बनाएगी और घना बनाएगी, साथ ही साथ हेयर फॉलिकल स्ट्रांग करेगी। यहाँ पे आप किसी भी ब्रांड का शैम्पू ले लीजिए। मैं यहाँ पे पतंजलि के केश कांति, रीठा और शिका का जो शैम्पू है उसे यूज कर रही हूँ, क्योंकि ये ड्राई हेयर के लिए बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं। अगर आपके बाल बहुत ही ड्राई हैं तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए, आपको इसमें इस शैम्पू को मिलाना है, इस मिक्सचर को। तो ये देखिए फ्रेंड्स, और इस रेमेडी को हमने किस तरह प्रिपेयर किया, इस पाउडर को, वो भी आप देखिए, पूरी वीडियो एंड तक जरूर देखिए। इस तरह से आपको इसे मिक्स कर देना है यहाँ पर। और फ्रेंड्स, उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है एलोवेरा जेल। दोस्तों देखिए, ये आप घर के जो प्लांट्स वाली एलोवेरा जेल होती है, आप उसे रिमूव करके बना सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से 2 टेबलस्पून के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे एलोवेरा जेल लिया है और इसे आपको शैम्पू में अच्छी तरह से मिक्स करना है। देखिए फ्रेंड्स, ये आपके बालों को काला, लंबा, घना, चमकदार तो बनाएगी, साथ ही साथ जो हेयर फॉलिकल होती है उसे स्ट्रांग करेगी और बालों में जितनी भी डिसऑर्डर होती है, जो प्रॉब्लम होती है, उसे रिमूव करेगी। आपके बालों को तेजी से बूस्ट करेगी ताकि आपके बाल जो है ना वो काले बने रहें, सफ़ेद ना हो। तो ऐसे बहुत सारी समस्याएं होती हैं। जब छोटे बच्चों के बाल भी अगर सफ़ेद हो रहे तो उन्हें बताइए कि शैम्पू किस तरह से प्रॉपर तरीके से करें ताकि बाल आपके सफ़ेद ना हो। तो इस तरह से जो हमने यहाँ पे छिलकों को मिक्स किया है, देखिए फ्रेंड्स, आपको इसे 10 मिनट इस तरह से छोड़ देना है। इस रेमेडी को औषधीय गुण जो है इसके मिल जाएं, उसके बाद आप अपने बालों पर इसे अप्लाई करें। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने इसमें लहसुन का छिलका और हमने इसके अंदर करी पत्ते का, जो करी पत्ता होता है, उसे हमने रोस्ट करके डाला है। यही दो चीज़ें हमारे बालों को काला बनाएंगी, लंबा बनाएंगी, घना, मजबूत और चमकदार बनाएंगी। बस शैम्पू में आपको इन दो चीज़ों को ऐड करना मस्ट है और पानी नहीं मिलाना है आपको, सिर्फ एलोवेरा जूस लेना है। एलोवेरा जेल आपके पास अगर घर में गार्डन में है तो उस पौधे को लेके कट करके उसका जूस बना लीजिए और उसे ही डालिए। पानी आपको नहीं डालना है इसके अंदर, ठीक है? तो हमने यहाँ पे पानी का इस्तेमाल नहीं किया है। जो एलोवेरा के पौधे होते हैं उसी लीव्स को कट करके आप उसका इस्तेमाल करें। 100% गारंटी के साथ बोल रही हूँ दोस्तों, आपके बाल काले, लंबे, घने, मजबूत होंगे। जो सफ़ेद बालों की समस्या है वो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छी तरह से ऐसे विटामिन पाए जाते हैं, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस पाए जाते हैं, विटामिन सी पाया जाता है, जो हमारे बालों को तेजी से काला, लंबा और घना बनाती हैं। तो ये देखिए, इस रेमेडी को आपको इस तरह प्रिपेयर करना है और 10 मिनट तक इसे छोड़ देना है। 10 मिनट बाद आप अपने बालों पे स्कैल्प में इसे रूट पे मसाज करेंगे और उस फिर से आपको 15 मिनट के लिए छोड़ देना है और प्लेन वाटर से आपके बालों को धो लेना है। दोस्तों, आप इसका प्रोसीजर जो है हफ्ते में 2 बार ज़रूर करें, इससे आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आपके जो बाल हैं, हेयर फॉलिकल बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होंगे, साथ ही साथ जो सफ़ेद बालों की प्रॉब्लम है, प्री मैच्योर की ग्रे हेयर की प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम भी आपकी सॉल्व हो जाएगी दोस्त। तो फ्रेंड्स, चलिए मैं इसे लाइव करके दिखाती हूँ कि कैसे मैं इसे यूज़ करती हूँ अपने बालों पे। दोस्तों, शैम्पू में बस इसे मिक्स करके लगाना शुरू कर दीजिए। आपके जो बाल हैं ना, सफ़ेद बाल, वो आपके बहुत ही अच्छी तरह से ब्लैक में टर्न हो जाएंगे। आपको लेना है यहाँ पे लहसुन के छिलके और यहाँ पे लेना है आपको करी लीव्स के पत्ते। इसे अच्छी तरह से रोस्ट करके आपको ले लेना है।
सबसे पहले आपको अपने बालों को अच्छी तरह से वेट कर लेना है। जब आपके बाल अच्छे से गीले हो जाएं, फिर इस शैम्पू का आप इस्तेमाल करें। फ्रेंड्स, अगर आपके बाल बहुत ही तेज़ी से सफ़ेद हो रहे हैं तो इस रेमेडी को आप एक बार ज़रूर इस्तेमाल करें। इससे आपके प्री मैच्योर ग्रेइंग हेयर की जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि ये डीपली पेनिट्रेट करते हैं और इसे 10 मिनट तक कम से कम इस तरह से मसाज करते हुए आपको छोड़ देना है अपने बालों में, स्कैल्प में। आपके स्कैल्प बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे, हेल्दी होंगे और बाल टूटेंगे नहीं, गिरेंगे नहीं। अगर आपके बाल कमज़ोर हैं, पतले हैं, तो बाल बहुत ही मोटे हो जाएंगे और सफ़ेद बालों की जो समस्या है वो प्रॉब्लम भी आपकी सॉल्व हो जाएगी। दोस्तों, वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को बहुत सारे यूज़फुल वीडियोज़ देखने के लिए। फ्रेंड्स।